दोस्तों नमस्कार, आपके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। सीआरपीएफ ने जारी किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सीआरपीएफ के अंदर एक नई भर्ती निकल के आई है और दोस्तों इसमें पदों की संख्या काफी अच्छी है। 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 12वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। चलिए दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़कर दिखाता हूं कि इस भर्ती में आपके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए ताकि आगे भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो देखिए सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आप सीआरपीएफ की वेबसाइट देखो, यहां पर रिक्रूटमेंट वाले पेज में देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये इतना नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप गूगल का इस पेज का लिंक दिया गया है, गूगल में सर्च करो स्टेट जॉब लाइन, सबसे ऊपर studentline.com वेबसाइट आएगी, खोल लेना। फिर इसमें न्यू गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन दिया गया है सीआरपीएफ एससी रिक्रूटमेंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तीन लिंक आ जाएंगे, अप्लाई नाउ का, ऑफिशियल वेबसाइट का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, कोई सा भी आप काम में ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। दोस्तों ये आप देख लीजिए, डेट ऑफ ओपनिंग 7/2/2020, 7 फरवरी से इसके आवेदन शुरू है, लास्ट डेट है 6 मार्च 2020, रिटर्न एग्जाम होगा 19 अप्रैल 2020 को। लिखा हुआ है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एचसीजीडी इन सीआरपीएफ। यहां पर दोस्तों देखिए अब बात कर लेते हैं इसकी पूरी नीचे वैकेंसीज की डिटेल्स की। तो ये आप देखिए टोटल 1412 पोस्ट की भर्ती है, 1331 मेल की है और 81 फीमेल की है। यहां पर दोस्तों और कुछ आपको जरूर बताता हूं, पहले आप ये देखिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल एंड फीमेल कॉन्स्टेबल्स, यानी कि दोस्तों जो विद्यार्थी यहां पर पहले से सिलेक्टेड है कॉन्स्टेबल में, जो सर्विस के ऊपर है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो सर्विंग मेल और फीमेल कॉन्स्टेबल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है। तो दोस्तों यहां पर पेमेंट की बात करें, पेमेंट आपका होगा 25,000 से 81,000 तक का। इसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यह आप देखें आयु बताई गई है कि 32 ईयर्स रखी गई है, इससे नीचे आपकी हो। इसके बाद में दोस्तों आयु में छूट के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10th+2 पास फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो 12वीं पास जो है वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहां बताया गया पैरा 6 में, मेडिकल भी आपका होगा। अगर दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, लिखित एग्जाम होगा 160 नंबर का, सिलेबस भी यहां पर बताया गया है। इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में वही हाइट है 70 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। नीचे बात की जाए स्टेज 3 की तो पीईटी होगा, यहां पर दोस्तों आपकी रेस होगी। ठीक है, रेस में 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड और 1600 मीटर रेस इन 6.5 मिनट, 6.5 मिनट दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपके होने वाले हैं। तो ये देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, यहां पर आपको इसके लिए यहां पर आवेदन करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों आप इस भर्ती का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें एक बार, उसके बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहां पर सर्विंग मेल और फीमेल कॉन्स्टेबल है। तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों स्टूडेंट मित्र, आगे भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आएगी तो तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों एसएससीडी की भर्ती भी बहुत जल्द आ रही है जिसमें आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए सभी वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। तो इंतजार करना एसएससीडी भर्ती के लिए, जल्दी आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।